हे गाइस, तो यहाँ हो चुकी है सुबह और हमारी सवारी निकल रही है आज नागलोई की मार्केट करने। यहाँ मम्मू के साथ हूँ मैं और यहाँ हम कर रहे हैं अपने रिक्शे का इंतज़ार। रिक्शे का इंतज़ार करते हुए हमने करे बहुत मज़े क्योंकि रिक्शा नहीं आ रहा था कोई भी, और हम रोड बीच सड़क पर खड़े हुए थे। यहाँ आ चुके थे गोयल स्टोर में नागलोई की मार्केट के अंदर। आप लोग भी कभी गए हैं मार्केट नागलोई की तो हमें बताइएगा ज़रूर। यहाँ किए हमने बहुत ज़्यादा मज़े और बहुत ज़्यादा नई नई चीज़ें देखने को मिली। लेकिन लोग कहते हैं कि मार्केट सस्ती है, लेकिन हमें तो कुछ सस्ता लगा नहीं यहाँ पर। आप लोगों को लगा हो तो आप बताइए। यहाँ पर थी बहुत ज़्यादा भीड़ और यहाँ नहीं था पैर रखने की भी जगह। पता नहीं लोगों को किसा क्यों लगता है कि बहुत ज़्यादा सस्ती मार्केट है ये, हमें तो कुछ सस्ता लगा नहीं। अगर आपको ऐसा लगता है इस मार्केट में कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर मैं सो रहा था फिर उसके बाद मैं उठ गया क्योंकि शोर बहुत था और भीड़ ज़्यादा थी, तो ऐसे में कहाँ सोया जाता है। और यहाँ पर मुझे मैं देख रहा हूँ टोपा, क्योंकि टोपा दिखा देख रही थी नन्नू और मैं मुझे पहना के दिखा रही थी कि मैं लग कैसा रहा हूँ। और उसके बाद यहाँ पर हमने देखे थे जूते और यहाँ आ चुके हैं हम भाई के कपड़े लेने। ये भाई के कपड़े हम देख रहे थे और फाइनली फिर हमें जो पसंद आए थे वो कपड़े कोई और से थे, उसको शूट करना मैं भूल गया। ये यहाँ पर शूज़ मैंने एक बार और शूज़ देखे लेकिन यहाँ कुछ खास पसंद आया नहीं। और यहाँ आए थे हम नन्नू के चप्पलें लेने, हाँ लेकिन नन्नू को यहाँ भी कुछ खास पसंद आया नहीं। हमें तो यहाँ की मार्केट घूम के मज़ा तो बहुत आया लेकिन कुछ खास ख़रीदा नहीं। अगर आप कभी यहाँ गए हैं तो हमें ज़रूर बताइए कमेंट्स में, और हमें फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब।